सो हेलो एवरीवन, दिस सुमित फ्रॉम रिलेटिव पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज के बारे में काफ़ी डिटेल में वो डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो कट ऑफ हो गया, प्लेसमेंट वाइज रैंकिंग हो गया। यहाँ पर मैं बस नंबरिंग ही नहीं, उसके अलावा भी काफ़ी डिटेल में कॉलेज को डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी आपको यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ पर नंबरिंग कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग के अलावा भी हर एक कॉलेज का जो डिटेल है वो डिस्कस करूंगा। एंड ये आपको काउंसलिंग टाइम पर काफ़ी हेल्प करने वाला है। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, एक समझ में आता है नहीं कि मैं किसको ऊपर रखूँ एंड किसको नीचे रखूँ। तो ये जो वीडियो है ये काउंसलिंग टाइम पर काफ़ी आपको हेल्प करेगा। एंड आपका जो काउंसलिंग है वो जून या जुलाई में होने वाला है, ठीक है? तो जो भी कुछ अगर अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे इसके पहले मैं ऑलरेडी टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हूँ। तो पहली बार आए हो तो पहले वो वीडियो देख लो एंड देन आप टॉप 10 प्राइवेट देख सकते हो। वैसे जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग एक प्रेप प्लस कोर्स है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट गाइडेंस टिल एडमिशन। आपका जब WBG काउंसलिंग हो रहा होगा तो हम लोग कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे काउंसलिंग करना है, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। तो ये सारा कुछ आपको इसी कोर्स में मिलने वाला है। आप 50 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर हो गया, मॉक टेस्ट हो गया एंड DPP हो गया। तो जो फोर्थ पॉइंट है, मतलब कंप्लीट गाइडेंस, मतलब कि जो काउंसलिंग के टाइम पर जब आपका प्रोसेस चल रहा होगा कि मैं किसको पहले रखूँ किसको बाद में रखूँ, ताकि आपको काफ़ी हेल्प होगा। आपका जो भी रैंक आया होगा उसके हिसाब से आपका जो बेस्ट आउटकम है वो डिसाइड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना ही चाहिए, पर देख सकते हो मैंने क्या लिखा है। इफ़ यू वॉन्ट्स टू सीक एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस अंडर WBG, मैं WBG की बात कर रहा हूँ और कोई एग्जाम का बात नहीं कर रहा हूँ, देन ट्राई टू स्कीप द कोर ब्रांचेस, कंसिडर द नॉन कोर ब्रांचेस। आप लोग गलती ये बिल्कुल मत कीजिए, प्लीज़ इसको कॉपी में लिख के रख लो कहीं पर कि आपको हमेशा याद हो जाए कि अगर WBG में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो कोर ब्रांच को कभी मत चूज़ करना। अब कोर क्या होता है, नॉन कोर क्या होता है, मैं जरा एक शॉर्ट में बता दूं। तो देखो, नॉन कोर का मतलब हो गया आपका जो टेक ब्रांचेस हो गया, ठीक है, आपका CAC हो गया, ठीक है, IT हो गया, EC हो गया, ओके। एंड एक और ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि 2 साल से चल रहा है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, तो CSE स्पेशलाइजेशन। तो ये जो ब्रांचेस है ये सारा नॉन कोर ब्रांचेस है। आप इंस्ट्रूमेंटेशन भी बोल सकते हो एज ए नॉन कोर ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर एक और लिख रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन। एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो EC का एक पार्ट है, ओके। अब कोर ब्रांचेस लाइक क्या क्या हो गया, तो जो कोर ब्रांचेस हो गया आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, EE हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया और केमिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो ये सब जो ब्रांचेस है ना, ये सब कोर ब्रांचेस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोर ब्रांच बढ़िया नहीं है, आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अगर आप WBJEE में जो प्राइवेट कॉलेज मौजूद है उसमें कभी भी कोर ब्रांच मत लीजिए। कोर ब्रांच लेना है तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ करना अंडर WBJEE। मैं WBJEE का बात कर रहा हूँ एंड प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि WBJEE करने में जो जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें कोर ब्रांच मत लीजिए, ठीक है। फॉर कोर ब्रांचेस ऑलवेज कंसिडर द गवर्नमेंट कॉलेजेस अंडर WBJEE। अब बात करते हैं कॉलेज के बारे में, किसका नंबरिंग कैसे मैं करने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 1/2 आप देख सकते हो IIM एंड हेरिटेज, मैं दोनों को ही रखा हूँ। मतलब 1 किसको मैं रखूँ और 2 किसको रखूँ ये मैं आपको नहीं बताऊँ, मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपको नंबरिंग ही नहीं बल्कि काफ़ी डिटेल वे में मैं बताने वाला हूँ। तो पहला तो बात आप देख सकते हो जो IIM है, ये IIM का डेटा है, ठीक है, ये IIM का डेटा है एंड ये जो डेटा है ये हेरिटेज का डेटा है, ओके। तो देख सकते हो IIM का जो एवरेज पैकेज है वो है 4.8 लाख पर एनम एंड जो हेरिटेज का जो एवरेज पैकेज है वो है 4.2 लाख पर एनम। हाइस्ट पैकेज 32 लाख पर एनम, इसका हाइस्ट पैकेज 30 लाख पर एनम। अब ऐसा मत सोचो कि लास्ट ईयर का है, हो सकता है 5 साल पहले 6 साल पहले का होगा। तो रिसेंट में इतना हाइस्ट पैकेज तो नहीं उठता है, ठीक है। रिसेंट का बात करो मतलब लास्ट 5 ईयर्स ये हाइस्ट पैकेज का डेटा नहीं है, ये पहले का ही है, ठीक है। फीस का देख सकते हो 5.8 लाख IIM का, ठीक है, एंड फीस का देख सकते हो 4.5 लाख हेरिटेज का। तो देखो लास्ट ईयर काफ़ी सारे बच्चे काउंसलिंग पार्टिसिपेट किए थे, काफ़ी सारे बच्चों को मैं गाइडेंस भी प्रोवाइड किया था। तो कोई की बच्चे पूछ रहे थे कि मैं IIM लूँ या हेरिटेज लूँ, तो किसी किसी को मैं IIM बोला था एंड किसी किसी को मैं हेरिटेज बोला था। तो फ़र्क क्या है, देखो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। देखो इसका जो फीस है 5.8 लाख है, इसका 4.5 लाख है, इसका जो कैंपस है कैंपस काफ़ी काफ़ी छोटा, मतलब स्कूल से भी कैंपस काफ़ी छोटा है। आप जरा एक बार जाइए सॉल्ट लेक में जो कॉलेज मोर है ना, आपको समझ में आएगा कि कैंपस कितना छोटा है। इसका कैंपस काफ़ी काफ़ी बड़ा है, मतलब कि आपको एक फील आएगा कि हाँ कैंपस इतना बड़ा है। अब कैंपस ही डिफरेंस है नहीं, फैकल्टी भी डिफरेंस है। तो इसका फैकल्टी आपको काफ़ी बेटर मिल रहा होगा,
फैकल्टी इज़ क्वाइट गुड इन केस ऑफ हेरिटेज। फैकल्टी आईएम का भी सही है, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करो तो थोड़ा बहुत अच्छा मैं हेरिटेज का बोलूँगा। तो कैंपस एंड फैकल्टी के मामले में हेरिटेज इज़ बेटर, लेकिन प्लेसमेंट देख सकते हो जो 4.8 एंड 4.8 ये जो है ना, ये मतलब आईएम का काफ़ी अच्छा है। तो सिंपली आपको कैसे चूज करना है, आप फैकल्टी देखिए, आपको फैकल्टी देखना है, आपको कैंपस देखना होगा एंड फीस देखना है। तो ये तीन पॉइंट है एंड ये तीन पॉइंट के बेसिस पर आप लोग डिसाइड कर सकते हो मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए। एंड जो भी बच्चा मुझे पूछता था तो डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा था कि हाँ आपका क्या कैसे इंटरेस्ट है, आपका मतलब प्रेफरेंस क्या है, तो उसके हिसाब से मैं उसको बता देता कि आप लोग आईएम चूज़ कीजिए, हेरिटेज चूज़ कीजिए, बाकी वन या टू मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है। जो थर्ड कॉलेज है वो है टेक्नो इंडिया में। यहाँ पर मैं कुछ ये नहीं किया कि हाँ ये थर्ड हो सकता है, ये फोर्थ हो सकता है, सिंपली थर्ड में मैं टेक्नो को ही रखना चाहूँगा। टेक्नो इंडिया मेन, कॉन्फ्यूज मत होना, लास्ट ईयर एक बच्चा था, मैं बता दूं उसका WBG में कितना रैंक था, 6000 रैंक था। उसने क्या किया, उसने टेक्नो बाटा नगर रख दिया। क्या रखा था, टेक्नो बाटा नगर। तो टेक्नो नाम करके काफ़ी सारे कॉलेजेस है, ठीक है। तो बच्चे मतलब गलती कर बैठते हैं काउंसलिंग के टाइम पर, मैं किसको ऊपर रखूँ, किसको नीचे रखूँ, कौन सा कॉलेज रखूँ, कौन सा ब्रांच पहले रखूँ, तो बच्चे कॉन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए ये गलती मत करना, जो मेन है जहाँ पर मेन वर्ड लिखा गया ये सॉल्ट लेक में, ठीक है, ये जो है सॉल्ट लेक में। अब सॉल्ट लेक में भी काफ़ी सारे टेक्नो नाम का कॉलेज है, लेकिन जहाँ पर मेन लिखा होगा मेन, उसको ही आप लोग प्रेफर कीजिए। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 4 लाख पर एनम है एंड जो हाइस्ट पैकेज है वो 25 लाख पर एनम है एंड फीस 4.5 लाख। अब देखो, अब सारे बच्चों के लिए मैंने एक एक्सेल सीट बना रखा है, काफ़ी आपको हेल्प करेगा जो एक्सेल सीट है। इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप चाहो तो एक्सेल सीट को डाउनलोड कर लो या PDF को डाउनलोड कर लो। यहाँ पर हर एक कॉलेज का डिटेल में कट ऑफ मेंशन किया गया कि जो जनरल हो गया, OBC हो गया, OBC बी हो गया, SC ST TFW PWD सारा कुछ मतलब काफ़ी डिटेल में मेंशन किया गया एंड ब्रांच वाइज कट ऑफ मेंशन किया गया इस एक्सेल सीट में। तो यहाँ पर देखिए जो IIM है, जो पहले हम लोग डिस्कस किए थे IIM या हेरिटेज, अब नंबर वन या नंबर टू आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो CSE बिजनेस सिस्टम है, इसको जरा जूम करता हूँ, ठीक है। तो CSE बिजनेस सिस्टम का जो कट ऑफ है आप देखिए, ऑल इंडिया क्या लिखा गया, 2533, ठीक है। अब देखो यहाँ पर HS मतलब कि होम स्टेट, तो यहाँ पर कोई कोटा नहीं है। यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस जो है, हो सकता है उसमें ST SC मतलब कोटा ना हो, लेकिन TFW जो कोटा है वो मौजूद होता है। अब एक पॉइंट में बता दूँ, TFW का मतलब होता है नो सेमेस्टर फी, मतलब कि 0 सेमेस्टर फी पे करना होगा एंड आपको बस एग्ज़ाम फीस एंड प्लेसमेंट ट्रेनिंग फीस पे करना पड़ता है। लाइक IIM का जो फीस था 5.8 लाख पर एनम, वो ट्यूशन फीस था, ठीक है, तो वो पे करना ही नहीं पड़ेगा अगर आप TFW सर्टिफिकेट बनवा लेते हो। कैसे बनवाना चाहिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो मशीन लर्निंग है एंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका कटअप जो था वो 3460 मतलब ऐसा कुछ गया था, ठीक है। AI का देख सकते हो 43 गया था, 4.3K, ओके। साइबर सिक्योरिटी देख सकते हो 5.2K, मतलब जो नॉन कोर ब्रांचेस है, जो CSE है, जो CSE स्पेशलाइजेशन है, मतलब 5000 तक चले ही गया था, ओके। IoT का देख सकते हो आपका 6115 गया था। ये जो कट ऑफ है ना, ये राउंड 3 का कट ऑफ है, ओके, राउंड 1 का नहीं है, राउंड 3 का कट ऑफ है, यानी कि उसको मॉप अप बोल सकते हो, मॉप अप राउंड 3 एक ही होता है, ओके। तो यहाँ पर जो CSE है, मतलब जो CSE जो जनरल है, उसका भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया गया। जो ECE है उसका जो कट ऑफ है वो 7.8K गया था, जो IT है उसका कट ऑफ 4K गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो IT का जो कट ऑफ है वो जल्दी क्लोज हो चुका है एंड जो CSE स्पेशलाइजेशन है ना, उसका कट ऑफ थोड़ा मतलब ज़्यादा दूर तक गया, तो काफ़ी सारे बच्चे CSE IT प्रेफर कर रहे हैं, देन उसके बाद स्पेशलाइजेशन को चूज़ कर रहे हैं। अब बच्चे गलती क्या करते जानते हो, मैकेनिकल को चूज़ कर लेते हैं, सिविल को चूज़ कर लेता है। अगर आप मैकेनिकल सिविल के पढ़ना ही है तब गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ कीजिए, बे मतलब फालतू का भाई प्राइवेट मत चूज़ कीजिए, अदरवाइज आप एक साल ड्रॉप कीजिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो। प्राइवेट में काफ़ी रिकमेंड नहीं करूँगा फॉर कोर ब्रांचेज, वैसे भी जो वेस्ट बंगाल का जो कॉलेज है हालत ख़राब ही सबका लगभग, ठीक है। तो सब कुछ काफ़ी डिटेल में मैंसन कर दिया गया, आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता,
ठीक है, तो इसका ब्रांच वाइज कटअप सेम आईएम की तरह मैंने लिख रखा है, ये सब ऑफिशियल डेटा है, मैंने बस एक तरह से रीअरेंजिंग मतलब कि प्रॉपर ऑर्डर में मैंने मेंशन कर दिया कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ओबीसी बी हो गया, एससी एसटी, ताकि काफ़ी से बच्चे कमेंट करते कि मैं ओबीसी हूँ, मैं एसटी हूँ, एससी हूँ, मुझे क्या मिलेगा, तो सिंपली आपके लिए सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका कटअप 13,000 तक गया था, जो बायोटेक है उसका 14,000 तक गया था, ठीक है, केमिकल है 20K तक गया था, ओके 20,000 तक गया था केमिकल का, केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि काफ़ी बच्चे प्रेफर नहीं करते, ठीक है, जो मतलब कोर ब्रांच होते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो 20,000 तो जाएगा ही जाएगा ना। सिविल जो ब्रांच है वो 19,000 तक गया था, लगभग 20,000 तक चले गया होगा, 19,800 तक है। और बाकी कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम देख सकते हो 7,600 है, और जो कंप्यूटर साइंस है 3,214, तो सबसे जल्दी क्लोज सीएससी का ही हुआ था, एंड सबसे जल्दी क्लोज सीएससी का ही होता है, तो 3,200 में सीएससी क्लोज हो चुका था। बाकी मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक का एक वीडियो बना रखा है कि किस मार्क्स पर क्या रैंक आ सकता है, एक्सपेक्टेड है वो, ठीक है, एक्सपेक्टेड इस साल का, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उसके हिसाब से आप ये रैंक जज कर सकते हो। टेक्नोमेन का देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा गया है, टेक्नोमेन सॉल्ट लेक सेक्टर 5 सॉल्ट लेक, तो याद रखो टेक्नो मेन मेन जो वर्ड है वो जुड़ा होना चाहिए, अदरवाइज आप गलती कर बैठोगे, बाटानगर चूज़ कर लोगे, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, बाटानगर चूज़ कर लेते हैं, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते हैं, टेक्नो इंडिया ग्रुप में काफ़ी सारे कॉलेज है, टेक्नो इंडिया ग्रुप ये ग्रुप है उसके अंडर में टेक्नो का काफ़ी सारे कॉलेजेस है, सबसे अच्छा टेक्नो मेन है। ओके, टेक्नो का देख सकते हो, टेक्नो जो मेन है वहाँ पर सिविल भी है, तो सिविल भी है, उसका कट ऑफ 63,000 तक गया था, 63,000 तक, ठीक है, समझ सकते हो, मैंने ऑलरेडी काफ़ी स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था। ओके, अब देखो मतलब अब बच क्वेश्चन ये पूछोगे, जब मैं ये बोला कि कोर ब्रांच नहीं लेना चाहिए तो मैं क्यों डेटा बच्चा क्यों ले रहा है, देखो कोई भी बच्चा होता है कि उसको मतलब जॉब नहीं करना होता है, सिंपली हो सकता हो गेट का तैयारी कर रहा होगा या कुछ उसको और फील्ड में जाना होता है, प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है, तो ये सारे बच्चे हो, अगर ऐसे कैटेगरी बच्चे हो कि हाँ मतलब खुद का एक बिजनेस है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, तो आप कोर ब्रांच लेके एक तो डिग्री डिग्री प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है, बाकी मैं थोड़ा बहुत फैकल्टी जो है आपको मदद करेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस जो है उसका जो है वो 5,000 तक गया था सीएससी सेक्टर 5, ओके, और ईसी का देख सकते हो 10,000 तक गया था, मैं जो मेन ब्रांच है मैं बस वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज आप एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लीजिए एंड डिटेल जो डेटा है वो आप चेकआउट कर सकते हो, एंड आईटी का 7,000 तक गया था। तो टेक्नोमेन का बात हो गया, अब जो आगे का जो कॉलेज है उसका नंबरिंग मैंने किस तरह से किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हो, ठीक है, 4, 5, 6, मैं किसी को मैंने ये नहीं बताया कि 4 है, ये 5 है 6 है, यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ मौजूद है, आप जाके चेक कीजिए, 4 इसको रखा गया, 5 इसको रखा गया, 6 इसको रखा, बच्चा कन्फ्यूज है, समझ में आ नहीं रहा, कॉपी लेके बैठ गया है, मतलब मेरे टाइम में भी ऐसा होता है कि मतलब किसको 4 रखो, किसको 5 रखो, किसको 6 रखो, काफ़ी कन्फ्यूजन था, इस वीडियो में ये बताया जाता है, इस वीडियो में ये बताया जाता है, तो मैंने इस तरह से रखा, आप पर डिपेंड करता है कौन सा लेना चाहिए, मैं बताने वाला हूँ, घबरा मत, बताने वाला हूँ, ठीक है, तो जब 4, 5, 6 मतलब इस नंबर में ये कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, एओटी हल्दिया नेताजी, एओटी का मतलब एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी से बच्चों को पता है नहीं, हल्दिया मतलब जो हल्दिया में है, ठीक है, मतलब कॉलेज का आगे का नाम हल्दिया जुड़ा हुआ है, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज जो 3rd कॉलेज है, काफ़ी सिंपल में मैं बताना चाहूँगा कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए, तो देखो अगर आप वो बच्चे हो कि आपको हॉस्टल में ही रह करके पढ़ना है, ठीक है, या हो सकता है आपका जो घर है, आपका जो होम है जहाँ पर रहते हो वो काफ़ी दूर है इन तीनों कॉलेज से आपका जो घर है काफ़ी दूर है, तो आपको क्या करना चाहिए, किसको पहले किसको बाद में प्रेफर करना चाहिए, नोट कर लो, तो अगर हॉस्टल में ही आपको रहना है, आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हो सकता है घर काफ़ी दूर है या हॉस्टल में ही आपको रह करके पढ़ाई करना है, तो पहले मतलब जो 4th है आप यूटी को चूज़ कर लीजिए, जो 5th है आप हल्दिया को चूज़ कर लीजिए, एंड जो 6th है आप उसको नेताजी को चूज़ कर लीजिए, पहले वीडियो को पूरा देखना तब आप लोग कमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है, अदरवाइज बच्चे बोलेंगे यार इसको मैंने ऊपर क्यों रखा, इसको नीचे क्यों रखा, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वो बच्चे हो कि आपका तीनों ही ले सकते हो, मतलब हो सकता है आपका जो यहाँ पर घर है ना आप तीनों ही ले सकते हो, तो किसको चूज़ करना चाहिए, डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस जर्नी पर, देखो ये सारे जो है ये प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, टेक्नो का कंपेयर करो तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो तीनों है ना ईओटी हल्दिया नेताजी डिफरेंस काफ़ी कम है, डिफरेंस कैसे करोगे, काफ़ी कम डिफरेंस है, तो मतलब अगर छोटा छोटा पॉइंट अगर जज करोगे ना तो कभी मतलब डिफरेंस हो ही नहीं पाएगा, तो छोटा छोटा पॉइंट जज करोगे तो आप हो सकता है आप कभी हल्दिया को परख दोगे,
कभी नेताजी को रख दोगे, या कोई सीनियर है वो बोला कि नहीं नेताजी से ना प्लेसमेंट मिल रहा है इस अभी वो इस यहाँ पर है दुबई में है या कनाडा में है, ठीक है। तो ऐसा मतलब मत सोचो, तीनों में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं 3 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूँ, तीनों में डिफरेंस बिल्कुल मतलब सेम ही है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हो सकता है आपका AOT जाने में 2 घंटा लग रहा है, हो सकता है आपको नेताजी जाने में 30 मिनट लग रहा है, आपको हल्दिया जाने में 1.5 आवर लग रहा है। तो आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि आपको पहले नेताजी चूज़ करना चाहिए। मैं बस एग्जांपल बताया, आप हो सकता है आपका जो कम टाइम है वो AOT में लग रहा है, लाइक 10 मिनट, ठीक है, काफ़ी बगल में घर में। तो नेताजी, देन आपका हल्दिया एंड देन आपका AOT। टाइम काफ़ी मैटर करता है, प्राइवेट कॉलेज में अटेंडेंस मैटर करता है, कि आपको एक मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। गवर्नमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गवर्नमेंट में अटेंडेंस का प्रेशर नहीं होता है, प्राइवेट में से होता है। मतलब फैकल्टी मतलब बोल सकते हो काफ़ी हेल्पफुल नहीं होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट लेकिन आपको अच्छा ही मिलता है तीनों में, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट का कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है। बट स्टिल मैंने यहाँ पर देखो हॉस्टल के बारे में AOT को सबसे ऊपर रखा है। अब बोल सकते हो जो नेग्लिजिबल जो डिफरेंस है ना, मतलब काफ़ी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, उसके हिसाब से मैंने इसको रखा है, ठीक है। बाकी देखो ऐसा मत कि मतलब 30 मिनट आपको नेताजी समय लगता था, आपको 2 घंटा AOT लगता था, तो आपने AOT को चूज़ कर लिया। ज़्यादा कुछ आप अचीव नहीं कर लोगे, थोड़ा बहुत अचीव करोगे, ज़्यादा कुछ अचीव निकला, पर टाइम मैटर करता है ना, आपको 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, 4 घंटा क्यों टाइम ना स्पेंड करोगे, उससे बढ़िया घर में पढ़ाई कर लो, ठीक है। काफ़ी आप वहाँ पर डिफरेंस हो जाओगे बाकी सारे बच्चों से। तो ये पॉइंट है AOT में, एक्चुअली नंबर ऑफ प्लेसमेंट मतलब नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी 2 कॉलेज है। प्लेसमेंट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस मतलब कि कोई पर्टिकुलर ब्रांच लाइक CSE, उसमें का परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है ना वो ज़्यादा है, ठीक है। पैकेज का मैं नहीं बता रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है वो ज़्यादा, इसलिए मैंने AOT के ऊपर रखा, देन हल्दिया, देन नेताजी। तो मेरा जो ओपिनियन है मैं इसको ये रखूँगा, बाकी यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ काफ़ी डिटेल में कि किसको चूज़ करना चाहिए। तो ये 4, 5, 6 नंबरिंग, अदरवाइज बच्चे कन्फ्यूज होते रहते हैं कि 4 किसको चूज़ करूँ, 5 किसको चूज़ किसको चूज़ करूँ। तो ये काफ़ी मैं डिटेल वे में आपको मैंसन कर दिया। 7th में जो BP पोद्दार, ठीक है, इसको मैं 7th में ही रखना चाहता हूँ, किसी कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ। बाकी कट ऑफ क्या है इसका डिटेल मैं एक्सेल शीट में प्रेजेंट है, आप चेकआउट कर सकते हो। CSE IT जो भी ब्रांच है, जो कैटरी ब्रांच है, TFWB है, सारा कुछ मौजूद है। तो एक्सेल शीट को जरूर एक्सेस कर लीजिए। तो BP पोद्दार को 7th में मैं रखना चाहता हूँ, इसका कोई नो डाउट है, मतलब ऐसा नहीं कि 7 के साथ 8, तो आप BP पोद्दार को चूज़ कर सकते हो। जो 8th में है वो RCC, ठीक है, तो इसको भी मैं 8th में ही रखना चाहता हूँ, इसका कट ऑफ आप देख सकते हो। वैसे अपकमिंग डेज में ना मैं हर एक कॉलेज के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, कि ब्रांच वाइज कट ऑफ कैसा है, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसा है, कैंपस कैसा है, सारा कुछ डिटेल वीडियो आने वाला है। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट रिगार्डिंग WBG मिलते रहे। तो 8th में हुआ हम लोग का RCC। 9th, 10th, 11th, देखो मैं मतलब सेंट थॉमस रखूँ या नरला को रखूँ या फ्यूचर, में समझ में आ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं 11th तक मैंने इस लिस्ट को रखा हुआ है, ठीक है। तो 9th, 10th, 11th, अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि सेंट थॉमस को मुझे ना टेक्नो के बाद रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो कमेंट अभी जस्ट करेंगे कि सेंट थॉमस को मुझे टेक्नो के बाद रखना चाहिए, जैसे यहाँ पर टेक्नो ख़त्म हो रहा है ना, तो 4th में मुझे सेंट थॉमस को रखना चाहिए। तो वो सिंपल से रीजन, अब आप ये भी बोल सकते हो जो सेंट थॉमस का जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो काफ़ी जल्दी क्लोज हो जाता है। आप जब एक्सेल शीट को जब देखिएगा, जो एक्सेल शीट मैंने अटैच कर रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जो सेंट थॉमस का जो कट ऑफ है जो जल्दी काफ़ी जल्दी क्लोज हो जाता है। मेन रीज़न ये नोट कर लो, क्योंकि ये कोलकाता में प्रेजिडेंट है, कोलकाता में प्रेजेंट में रहने के कारण इसका जो मतलब कट ऑफ है काफ़ी जल्दी क्लोज हो चुका। तो मैं ये देखकर डिसाइड नहीं किया कि इसका कट ऑफ जल्दी क्लोज हो चुका तो इसको पहले रखो, इसका कट ऑफ काफ़ी दूर तक गया इसको बाद में रखो। तो ये मैं इसके साथ में नहीं रखा हूँ, सिंपली मेरा जो एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का, उस हिसाब से मैं कॉलेज का नंबरिंग रखा हूँ। तो जो मेरा ओपिनियन है, मैं सेंट थॉमस नरूला फ्यूचर को 9 या 10 या 11 में ही रखना चाहूँगा। अब आप यहाँ पर पूछो कि मैं यहाँ पर किसको चूज़ करूँ, लाइक मैंने यहाँ पर बताया था AOT, हल्दिया, नेताजी, तो यहाँ पर मैं ऑर्डरिंग जो कैसे करूँ। तो अगर आप वो बच्चे हो जो कि हॉस्टल में मतलब रहना पड़ सकता है या हॉस्टल ही लेना है, तो जो पहला है जो 9th में है आपको सेंट थॉमस चूज़ करना चाहिए, ठीक है। जो 10th में है आपको नरूला चूज़ करना चाहिए,
ओके एंड जो 11th में है आप फ्यूचर चुनना चाहिए। अब काफ़ी बच्चे बोल सकते हैं मैंने ऑर्डरिंग ना पहले एसोसिएटिव दे के रखा हो, लाइक सेंट थॉमस अच्छा है, देन नरला अच्छा है, देन फ्यूचर अच्छा, ऐसा नहीं। मतलब हॉस्टल के बेस पर मैंने इसका जस्ट नंबरिंग कर दिया। लाइक अब देखिए यहाँ पर आई एम पहले एंड देन हिटेज है, तो अगर वो बच्चे हो जो आई एम ही चूज़ करना चाहते हो तो आप सिंपली आई एम को पहले चूज़ कर सकते हो। हॉस्टल का मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे तो दोनों ही मैं ले सकता हूँ, कौन सा लूँ? तो देखो फीस मेरे मैटर नहीं करता, तो आई एम को चूज़ कर लो आप, ठीक है। बाकी देखो मैं डिटेल काफ़ी बता चुका हूँ कि आई एम चूज़ करना चाहिए, हेटे चूज़ करना चाहिए, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सेंट थॉमस, देन नरला, देन फ्यूचर। अब आपको दोनों ही एक्सेसिबल है, मतलब कि आपका जो घर है दोनों ही लगभग करीब ही है, तो वही बात है जो कम डिस्टेंस है ना उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिसेंटली नरला एंड फ्यूचर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, लास्ट का जो 3 ईयर्स का जो डेटा है ना, लास्ट 3 ईयर्स डेटा, ये तो मतलब किसी का नाम ही नहीं, कोई नहीं बोलता है, काफ़ी लोग इसका नाम भी नहीं लेते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं मेघनाथ ले लो, ठीक है। लाइक मैं लिखना चाहता हूँ जो मैंने नहीं रखा हो, मेघनाथ ले लो, एक और है शायद नाम याद नहीं आ रहा है, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी TIU, और एक मतलब कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो मैं नहीं रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका जो प्लेसमेंट है काफ़ी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ये जो एम्स की भी है, इनकिस का भी, ठीक है। तो ये रहा नंबरिंग, आई होप आपको काफ़ी समझ में आ गया है किसको मैं चूज़ करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं डिसाइड किया कि हाँ नंबरिंग ही मैं बस मेंशन नहीं किया हूँ, नंबरिंग के साथ भी मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाया कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। बाकी अपकमिंग डेज में हर एक कॉलेज पर काफ़ी डिटेल वीडियो आने वाला है। एंड आपने एक तो ऐड तो देखे होगा, UEM हाइस्ट पैकेज 72 लाख पर एनम। तो 72 लाख पर एनम एक्चुअली वो सम ऑफ टोटल स्टूडेंट जो प्लेस्ड उनके पैकेज को ऐड कर दिया गया, तो ये फेक न्यूज़ से आप लोग बचिए। ऐसा नहीं कि UEM में कम सीट बचे हुए, कम सीट बचे हुए, तो जो भी प्राइवेट कॉलेज है ना उसके पास में लिखा रहता है सीट्स आर लिमिटेड, अप्लाई द एडमिशन सून, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडमिशन इनका सारा साल चलते रहता है, मतलब UEM का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सबका ऐसा नहीं कि एडमिशन सारा साल चलते रहता है। तो UEM का आपका क्लास 12th फेल हो, क्लास 10th फेल हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। हो सकता है फीस काफ़ी कम लगता है, मतलब कि जो मैनेजमेंट कोटा है 50,000 60,000 में हो जाता है, प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। UEM जो जयपुर है वो बेटर है, हाँ ये मतलब बोल सकते हो UEM जयपुर काफ़ी अच्छा है। तो सारे बच्चे अपने फ्रेंड में ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, काफ़ी सारे बच्चे परेशान होते हैं काउंसलिंग टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जो भी मतलब जो प्लेटफॉर्म हो गया ना, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर एक बच्चों को ये बेनिफिट मिल सके।